नाज़रीन, कोरोना वायरस जिसने आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर ली है और गुज़िश्ता तकरीबन 3 माह से पूरी दुनिया में कई अमवात का बायस बन चुकी है और इस वक्त तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा लोग, 10 लाख से ज़्यादा लोग इसका शिकार हो चुके हैं दुनिया भर में। आज अनवर साहब ने हमें एक थोड़ी सी खुशखबरी सुनाई है जिसका मैं बहरहाल इनको ग्रिल करूंगी, तनकीदी जायजा इसका हम जरूर लेंगे। वो खुशखबरी ये है कि अनवर साहब फरमा रहे हैं कि इसकी कोई वैक्सीन जो है वो शायद तैयारी के मराहल में है और इसकी तफसील हम जानते हैं अनवर साहब से। अनवर साहब फरमाइएगा, आपकी क्या खबर है? जी, अस्सलाम वालेकुम। दो चीज़ें हैं। एक तो एक वैक्सीन के बारे से खबर ये है कि जो पिछले दिनों ब्रीफिंग हुई थी व्हाइट हाउस की, उसमें सदर, एक तो अच्छी बात ये हुई है व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग के हवाले से कि चूंकि सदर ट्रंप पे बहुत तनकीद हुई, जो जो कहते हैं ब्रीफिंग में, और उनको गैर जिम्मेदार ठहराया गया और ये कहा गया कि उनकी उनके पास इंफॉर्मेशन होती नहीं है, वो खामखा बोलते हैं, और ये एक ब्रीफिंग जो कि कोरोना वायरस के बारे में है इसको वो अपनी इंतखाबी मुहिम बना रहे हैं। तो अब सदर ट्रंप जो है वो बैक सीट पे चले गए हैं और ज्यादा मौका देते हैं गुफ्तगू करने का माहरीन को। तो उसमें से एक जो है डॉक्टर एंथनी फाउची, जो कि यहाँ अमेरिका में जो इस तरह की जो मूजी बीमारियां हैं, जो छूत की बीमारियां लगने वाली, उसके सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं, और जो इनके नेशनल, इनका जो इंस्टीट्यूट है छूत की बीमारियों के प्रिवेंशन के लिए, उसके सरबरा हैं, और कोई काफी अरसे से रेगन के जमाने से चले आ रहे हैं। तो उन्होंने ब्रीफिंग में ये कहा, ब्रीफिंग में भी बात की, और उसके बाद एक इंटरव्यू में एनबीसी न्यूज को, उसमें भी उन्होंने वजाहत की। उन्होंने ये बताया कि हम जो है वैक्सीन पे काम हो रहा है, और उसमें सिर्फ हुकूमत नहीं, हुकूमत के दायरे, दवा साज कंपनियां और उसके अलावा साइंटिस्ट और जो दूसरे लोग हैं सबको, फौज से लेके सिविलियन अदारे तक, और 3 कम से कम बड़ी दवा साज कंपनियों को शामिल किया है, और सब मिलके एक वैक्सीन बनाई बनाई कई वैक्सीन के सैंपल्स बनाए। लेकिन हम इस पोजीशन में पहुंच गए हैं कि जहां हम ये कह सकें कि ये वैक्सीन जनवरी तक हम मार्केट कर सकेंगे। तो उनसे कहा गया कि इतनी इतनी जल्दी आप कैसे करेंगे और किस मकदार में करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारी, जो सदर ट्रंप ने अपने पिछले दिनों अपने बयान में कहा था 300 मिलियन डोजेस जनवरी तक तैयार कर लेंगे, क्या क्या ये मुमकिन है, आप कर सकें? उन्होंने कहा बिल्कुल मुमकिन है, और मैं इसलिए यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं खुद उस प्रोजेक्ट पे मैं भी काम कर रहा हूँ एज ए साइंटिस्ट। मेरा जो है मेन काम आजकल यही है, सिवाय ब्रीफिंग अटेंड करने के, तो मैं कर रहा हूँ। तो उसकी वजह उन्होंने बताया कि इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा। उन्होंने कहा एक तो जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई है, मसलन एक मिसाल दी उन्होंने कि कंप्यूटर का आ जाना, चीज़ों का कंप्यूटराइज हो जाना, उसकी वजह से स्पीड बढ़ गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो मेन वजह होती है डिले की, वो ये होती है कि जो दवा साज कंपनियां होती हैं वो उस पर तजर्बा कर रही होती हैं वो लो लेवल में, इसलिए कि उसमें मसला ये था कि वो वैक्सीन बना लें, बनाने के बाद उसको जब मंजूरी के लिए उनकी जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है एफडीए को जब पेश करती हैं तो एफडीए उसको रिजेक्ट कर देता है। तो उनका जो पीछे उनकी उनका जो उस पर अखराजात आए होते हैं उस पर उनके, वो अखराजात जो हैं वो उनके ज़ाया हो जाते हैं। तो इसलिए वो ये करती हैं कि छोटी सी टीम बना के थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके कम लेवल पे काम करती हैं, ताकि अगर दवा रिजेक्ट हो जाए तो उनके अखराजात कम कम से कम हो। अब हुकूमत ने ये किया है कि उनको ये कहा है कि आप तजर्बात किए जाएं, और उस पे जितने भी अखराजात होंगे वो हुकूमत अदा करेगी, और चूंकि वो हुकूमत अदा करेगी लिहाजा वो जो है उसकी वजह से हुकूमत अदा कर रही है, जिसकी वजह से घर से टैक्स पेयर्स मनी लग रही है उनपे, मगर उसकी वजह से वो जो मुद्दत है उसकी वो बहुत कलील हो गई है, लिहाजा उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो जनवरी तक बना लें। और दूसरी खबर तो आपने भी सुनी होगी, रिमेडी जाइवर जो दवा है वो, उसको भी एफडीए ने कर दिया है, ऑथोराइज कर दिया है कि वो, उससे ये होता है कि 30% जो लॉन्जिविटी है बीमारी की वो कम हो जाती है। तो कहते हैं कि 30% कमी, यानी 3-4 दिन की कमी भी आपको ज्यादा नहीं लग रही, लेकिन मरीज जो उसमें मुबतला होता है, जैसे आपको अभी जुकाम, उन्होंने जुकाम की मिसाल दी कि आज जुकाम होता है तो जुकाम की भी, जुकाम की दवाएं जिसका इलाज नहीं होती
वो तकलीफ को कम कर देती है। तो अगर मरीज की तकलीफ 3 दिन भी कम हो जाए तो आप मरीज से पूछें वो कितना इस पे रिलीफ फील करेगा। हाँ जी, आपने दुरुस्त कहा। मैं नाज़रीन की थोड़ी सी एक और वजाहत के लिए, दो चीजें हैं इसमें नाज़रीन। एक तो दवाई है, यानी कि जब आपके सिम्टम्स जाहिर होना शुरू हो जाएं तो उसके इलाज के लिए, उसको उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो है दवा कौन सी इस्तेमाल की जाए। तो चूंकि ये वायरस कभी इससे पहले सुना नहीं था, यानी कोरोना वायरस की एक खानदान जिसे कहना चाहिए, एक फैमिली कोरोना वायरस की वो तो थी, उस पर साइंसदान बहुत अरसे से जो है काम कर रहे थे, पिछले 15-20 साल से ये काम हो रहा था। शुरू में तो कोरोना वायरस जो है वो सिर्फ जानवरों में, चमगादड़ों से शुरू होके परिंदों में और पालतू जानवरों में भी आ गया था, पिग्स में आ गया था, लेकिन ये इंसानों में जब इसका जहूर होना शुरू हुआ तो उसके बाद फिर इसके ऊपर जो है तहकीक भी जरा तेजी से होनी शुरू हो गई आज से कोई 10-12 साल पहले। ये वाला जो कोरोना वायरस है अलबत्ता ये एक बहुत ही नई किस्म का था जिसके बारे में पहले से साइंसदानों को भी मालूम नहीं था और ये उनके लिए नई चीज थी। इसीलिए इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन हैं वो भी दस्तयाब नहीं थी। वायरस के लिए आमतौर पर मेडिसिन जो है वो बहुत मुश्किल से दस्तयाब होती है जो उसकी ट्रीटमेंट के लिए है। ये जो मेडिसिन जिसका जिक्र कर रहे हैं अनवर इकबाल साहब, रेमडेसिविर, ये वाली बेसिकली बनाई गई थी हेपेटाइटिस और जो निज़ाम तनफ्फुस को जो अटैक करते हैं वायरसेस उनके लिए। लेकिन जब ये बनाई गई थी तो इसका ये बेकार तकरीबन साबित हुई थी, इसका कोई असर नहीं था और इसको साइड पे कर दिया गया था, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि बहुत सी ट्रायल्स में ये कामयाब नहीं हो सकी थी। लेकिन अब कुछ जो साइंसदान हैं उन्होंने, जो मेडिकल रिसर्च अमेरिका में भी हो रही है, इसमें इन्होंने रेमडेसिविर को दोबारा जो है वो, क्योंकि रेमडेसिविर के लिए इनको दोबारा क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत अब नहीं है, जब इसको इस्तेमाल किया गया कंपैशनेट यूज के क्लॉज के अंडर मेरा ख्याल है कि मार्च में, तो उस वक्त ये देखने में आया कि बहुत से मरीज जो है उन्होंने बहुत मामूली जो है दिखाई थी प्रोग्रेस, उनका जो था उनका, उनके सिम्टम्स जो थे वो इसकी इससे बहुत बेहतर हुए थे। तो ये फैसला किया गया कि इस वक्त जैसे अनवर साहब फरमा रहे थे कि थोड़ी सी भी, बेशक 30% ही हो, लेकिन थोड़ी सी भी बेहतरी अगर जो बहुत ही बीमार हैं उनमें आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है इसको इस्तेमाल करने में। तो वो बहुत से जगहों पे सैन डिएगो में और अमरीका के मुख्तलिफ हिस्सों में इसको इस्तेमाल किया गया और उसके नतीजे को देखा। तो एक तो ये ट्रीटमेंट के लिए दवाई होगी, दूसरी चीज होती है वैक्सीन, जिसका मतलब ये होता है कि वो आपको जो है बचाएगी इस मर्ज के लाहक होने से, यानी आपका जिस्म जो है वो तैयार होगा इस मर्ज का मुकाबला करने के लिए और इस वायरस को शिकस्त देने के लिए। और जिस तरह से आपने देखा पोलियो वैक्सीन होती हैं, अब वो पोलियो का इलाज नहीं है, वो पोलियो को प्रिवेंट करने के लिए एक इंतजाम है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि ये वैक्सीन जो है फ्लू शॉट्स मिलते हैं कि आप सर्दियां शुरू, तो आप जो कह रही हैं कि ये, तो आप ये कह रही हैं कि पोलियो साजिश नहीं है मुसलमानों के खिलाफ, सॉरी पोलियो, पोलियो वैक्सीन साजिश नहीं है मुसलमानों के खिलाफ, हमें तो ये बताया गया था कि साजिश है मुसलमानों के खिलाफ, साजिश उनकी पैदाइश रोकने के लिए, दुनिया में मुसलमानों की तादाद कम हो गई है, पाकिस्तान की आबादी भी थोड़ी हो गई है जी, और पोलियो वैक्सीन के अंदर इन्होंने कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं वो मिला दिए हुए हैं जिसकी वजह से हैं, तो पाकिस्तान की आबादी थोड़ी हो गई है और कम हो जाएगी जी। तो ये जो वैक्सीन है इसकी तैयारी जो है ये अलबत्ता अभी बहुत, क्योंकि आप ये मैं पढ़ रही थी आज इस प्रोग्राम की तैयारी के लिए, जो मैं थोड़ी सी रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, तो एक चीज जो मुझे स्ट्राइक की वो ये थी कि किसी भी खासतौर पे वायरस की वैक्सीन के लिए तकरीबन जो आपको बहुत लंबा वक्त दरकार होता है उसके 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले फेज में उसका जानवरों के ऊपर उसका इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद के 2 फेजेस में इंसानों के ऊपर बतदरीज उसका इस्तेमाल जो है वो शुरू किया जाता है, और इसमें जो है जो अरसा लगता है वो तकरीबन 10 साल है। 10 साल के बाद जैसे फ्लू शॉट्स बने उसमें तकरीबन 10-15 साल लग गए। इसी तरह से आपने जो हेपेटाइटिस वगैरह की, तो खैर अभी कोई वैक्सीन इस तरह से तैयार नहीं हुई उसकी प्रिवेंशन का जो है, एक दवा आई है जी, हाँ दवा आई है ट्रीटमेंट के लिए। तो ये जो वैक्सीन है ना वायरल की, पेंडेमिक्स की, एपिडेमिक्स की, इनके लिए बहुत लंबा अरसा दरकार होता है और इनका चूंकि
इसके खतरात बहुत ज्यादा होते हैं कि अगर एक वैक्सीन आपने तैयार की है, उसको ट्रायल में आपने वो अरसा नहीं दिया जो दरकार था, और बहुत जल्दी जल्दी में काम कर दिया और बीमारी फैल जाती है, और इसमें जो है वो मतूबा नताइज इसके जो है तवक्को के बरक्स नहीं है, तो इसमें होगा ये कि एक तो बीमारी फैलेगी, दूसरा ये कुछ जिस वक्त ये फ्लू का और जो ये जो पिछले कुछ सालों में सार्स और मर्स के बीमारियां थी, वबाएं थी, आम हुई, तो उसमें एक चीज मर्स में खास तौर पर ना साइंसदानों ने ये नोट की कि कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जब ये लगाई जाती हैं तो इससे बहुत जल्दी नुकसान होता है कि जो लंग्स हैं वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है और उसको शॉक लगता है और उस शॉक में वो अपने ही जिस्म को खाना शुरू कर देता है। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। इसमें आप ये नहीं कर सकते, ये कोई फैक्ट्री नहीं है जिसमें जो है काम तेज कर दिया जाए तो जल्दी पैंटें ज्यादा बन जाए। बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और इन हालात में हो ये रहा है कि जो इस मर्ज ने जो पैनिक क्रिएट किया है उसमें बहुत से काम पैनिक की वजह से हो रहे हैं, और उसमें दोनों चांसेस हैं। एक तो चांस इस बात का है कि पैनिक में की सूरत में जो कि इकदाम किए जा रहे, जिस तरह के आप कह रहे हैं कि एक जनवरी में ही इन्होंने कहा कि हमने काम शुरू कर दिया था जब पहली दफा ये वबा सामने आई थी, तो वो 10 साल को काट के 1 साल में दवा लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे ये कि नई चीज हो जाए, मुमकिन हो जाएगी इतनी जल्दी वैक्सीन बन सके। दूसरी तरफ ये हो सकता है कि ये जो वैक्सीन है ये मुजर साबित हो और फायदे के बजाय नुकसान पहुंचाए और मजीद तबाही मचे। तो ये तो पैनिक की सिचुएशन में जब आप काम करते हैं तो उसमें तो ये इम्कान होता है कि इससे दुश्मन को नुकसान पहुंचे और हो सकता है आपको ही नुकसान पहुंच जाए। ये इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं कर सकते, मगर दुनिया के सामने जो एक चीज और है वो ये है कि अगर ये सिलसिला प्रोलोंग किया तो जो उसके माशी असरात हैं, जिस तरह से दुनिया में मईशत बैठ गई है बिल्कुल, वो इतने खौफनाक होंगे कि लोग भूख और अफलास से मरने लगेंगे, तो वो ज्यादा खौफनाक होगा। उसकी वजह से ना सिर्फ लोग मरने लगेंगे बल्कि फसादा शुरू हो जाएंगे, दुनिया में मारकुटाई शुरू हो जाएगी। अदारे जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये 2-3 साल ये अगर वबा चल गई तो जो अदारे हैं जैसे पुलिस के, फौज के, वो बैठ जाएंगे, इसलिए कि बहुत सारे तरक्की पजीर मुल्कों में ये इस्तेदाद नहीं होगी कि वो पुलिस और फौज की तनख्वाहें दे सके। तो ऐसी सूरत हाल को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे इकदाम जो है पैनिक में किए। एक और बात भी है कि ये जो वैक्सीन है और ट्रीटमेंट है दोनों अलग अलग, इनके तजुर्बात बहुत दुनिया में और भी जगहों पर हो रहे हैं, और आप अभी कुछ जिक्र फरमा रहे थे कि कहीं और भी शायद फार ईस्ट से भी कोई खबर है कि कोई पॉजिटिव खबर और है, वो ये है कि साउथ कोरिया में ये हुआ था कि 290 मरीज ऐसे आए थे जिनको पहले कोरोना वायरस हो गया था और उनका इलाज हुआ, वो ठीक हो गए थे, और फिर ये हुआ कि दोबारा आए और उनके सिम्टम्स, उनके टेस्ट पॉजिटिव हुए, और ये कहा गया कि अब ये तो और ज्यादा खतरनाक है ये वायरस कि उसके रिलैप्स भी होते हैं कि आप ट्रीटमेंट के बाद भी आ जाता है। तो उसको फिर उन्होंने उनका तफसीली जब उस वक्त उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाँ पॉजिटिव है, फिर तफसीली जब उनका उनके टेस्ट वगैरह करके जो उनका क्लोजली स्टडी किया, मुआयना किया, तो उसमें एक बात सामने आई कि नहीं, इनके जिसमें मौजूद डेड वायरस हैं, डेड वायरसेस हैं, उसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड को होता है वो मौजूद था, और ये उन्होंने कंक्लूड किया कि हमने जो इन 290 मरीजों का हमने जो मुताला किया उससे ये बात सामने आई कि एक दफा होने के बाद अगर ठीक हो जाए मरीज तो उनके अंदर जो रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, जो इम्यूनिटी होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि कोरोना वायरस उनको दोबारा नहीं हो सकता। तो उसमें जो एक उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि जो वो कहा जाता है, जिसको कहते हैं ना हर्ड इम्यूनिटी, यानी गले की, भेड़ के गले की जैसे इम्यूनिटी होती है, उसमें वो कहा जाता है कि अगर 70% लोगों को कोई बीमारी लग जाए, तो 70% तक अगर पहुंच जाए तो उसके बाद जो एक इज्तमाई रेजिस्टेंट पैदा होती है इंसानों में, जानवरों में, हर किसी में, फिर वो बीमारी नुकसान नहीं पहुंचाती, खुद ब खुद ही उसमें रेजिस्टेंस पैदा होने शुरू हो जाती। अलबत्ता ये खदशा हमेशा रहता है कि जो वल्नरेबल ग्रुप हैं, वो जैसे फ्लू में होता है, हर साल होता है, हज़ारों लोग जो ज़यीफ़ होते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला होते हैं, फ्लू से मर जाते हैं, हालांकि अमूमन फ्लू से एक आम सेहतमंद आदमी को कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुँचता, तो एक अलग है, वो तो होगा, लेकिन वो ये कहते हैं कि जब हर्ड इम्यूनिटी बन जाए तो फिर उसके बाद
आपको सेहत का नुकसान नहीं पहुंचता। एक तो यह है कि मैं नाज़रीन के लिए ये अर्ज कर दूं कि इस वक्त बहुत ज्यादा तजुर्बात पूरी दुनिया में हो रहे हैं, खासतौर पे चाइना, अमेरिका, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में, यूके में, ये जो जिसे हम वेस्ट कहते हैं, ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं, इसके अंदर बहुत से तजुर्बात हो रहे हैं और सिर्फ हुकूमतें नहीं कर रही हैं, जैसा कि अनवर साहब ने पहले फरमाया था, इसमें उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर लिया, दवासाज कंपनियां हैं, यूनिवर्सिटीज को, बिल्कुल। तो इसमें यह है कि इस वक्त जो वैक्सीन है जिनको हम वैक्सीन कैंडिडेट्स कह रहे हैं, यानी कि मुख्तलिफ जो तैयार की गई है और जिनके तजुर्बात शुरू हैं, वो 102 है पूरी दुनिया में, और उन 102 में से 8 जो हैं वो वायबल करार दे दी गई हैं। वायबल का मतलब है वायबल फॉर ट्रायल्स। तो लेकिन ये भी जहन में रखिए कि अब तक जो वायरस की वैक्सीन बनाई गई हैं दुनिया में मुख्तलिफ वायरसेस की, वो उसमें जो रुझान है वो यही है कि तकरीबन 90% फेल हो जाती हैं, सिर्फ 10% कामयाब होती हैं, और उसका फैसला भी एक लंबे अरसे पर काम करने के बाद जो बिल्कुल है। यानी हमें एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, ये अच्छी बात है कि इंसान बनी नौ इंसान जो है, यानी इंसान एज अ होल, इंसानियत एज अ होल कोशिश कर रही है एक वबा से निपटने की, और ये जो स्प्रिट पैदा हुई है, अल्लाह करे ये सलामत रहे और लोग इस तरह मिलकर इस तरह की वबाओं का मुकाबला करें। तो मैं इसमें चाहता हूँ इसमें एक और एलिमेंट इंट्रोड्यूस करें, कंक्लूड करने से पहले आपकी राय ली जाए कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है, मैंने पिछले दिनों एक इसी तरह की खबर लगाई अपने उस पर, तो उस पर फौरन तबसरा आया एक साहब का कि नहीं सर ये सब कुछ कोई नहीं है, ये कोरोना छोड़ना फैलाया गया है, साजिश है और इसलिए की ताकि अपनी वैक्सीन बेच सके। ये तो कहते हैं कि खुदा के लिए ऐसा ना करें, जी हाँ, ऐसा करना बिल गेट्स जैसे आदमी को होगा नहीं है, क्योंकि ये हमारा एक साइकी है हमारे यहाँ की, हम लोगों को बचपन से हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ साजिशें कर रही है, और अब तक भी हमें हमारी जितनी नाकामियां हैं वो इन साजिशों की वजह से ही हैं, उसमें हमारा कतन कोई कसूर नहीं था। तो इस वजह से हमारी एक साइकी जो है वो डेवलप ये हो गई है कि हमें लगता है कि हर चीज एक साजिश का हिस्सा है। नाज़रीन, इसके साथ ही मैं प्रोग्राम जो है हम आज का जो है वो खत्म करते हैं, और हम जो है ये साजिशी थ्योरीज के ऊपर एक प्रोग्राम मजीद आपके खिदमत में पेश करें। करते वक्त मेरा ख्याल है मौलवी, हम दोनों को चाहिए कि जो मेडिकल जो डॉक्टर्स और दूसरा अमला जो है फ्रंट लाइन में है इस जद्दोजहद में, जंग में, उनको हम सलूट पेश करें कि उनकी उनकी वजह से बहुत सारी जानें बच रही हैं, और बहुत सारे डॉक्टरों की जानें गई हैं, तो उनको हम खराज अकीदत पेश करते हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, उन्हें खराज अकीदत पेश करना बहुत ज़रूरी है और हम उन्हें सल्यूट करते हैं।